पहले नोटिस करता हूँ पापा शॉप पे है भी कि नहीं है, अगर नहीं हुए तो मेरा पोपट हो जाएगा। हाँ भाई क्या कह रही है गाड़ी? गाड़ी बहुत स्पीड चलती है, मारू चलती है, भड़बड़ा के चलती है, तो गाड़ी है कि आपस है ये तो। और ग्वालियर में भी अपने फॉग लाइट मचा रहे, धूम बूम बूम बूम, कोई कमी नहीं है लाइट में अब। हाँ भाई क्या कह रही है गाड़ी? सेक्सी है। तो गाइस वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड फ्रॉम ग्वालियर। और बेसिकली मैं इसको एपिसोड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं ग्वालियर आ चुका था और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जाने वाला हूँ अपने पापा के पास शॉप पर उनका रिएक्शन लेने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं ग्वालियर आ चुका हूँ और वो भी अपनी इस बाइक से आया हूँ, तो दोनों चीज़ें उनके लिए सरप्राइज़ होने वाली हैं। तो देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, पहले नोटिस करता हूँ पापा शॉप पे है भी कि नहीं है, अगर नहीं हुए तो मेरा पोपट हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा किला गेट का क्षेत्र है जहाँ पे मैं रहता हूँ ग्वालियर में, और पापा दुकान पर ही हैं और मैं भी हूँ। हाँ भाई हाँ भाई कहाँ लट गए हो? सो गए 6 बजे? पाँच बजे। क्या चालू है? हाँ भाई विकास थैंक यू। है कि नहीं सही? अब तो लटके कहाँ, तुम नीचे तो आओ, फटाफट आओ। छल पलाई कैसी लग रही है गाड़ी? हैं बड़ी बड़ी है छोटी छोटी है? तो गाइस ये मेरे पापा का छोटा सा धंधा जूते और चप्पल का, और मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हैं कि मैं आ गया हूँ बॉम्बे बूट हाउस। यस दिस इज माय, ये मेरी विरासत की दुकान है, अगर कुछ भी नहीं हुआ यूट्यूब से तो ये है मेरे पास। तो गाइस पापा ने देखी अपनी गाड़ी और ले गए राउंड पे, अब देखते हैं वापस आते तो क्या रिएक्शन मिलता है। मैं वेट कर रहा हूँ पापा का। हाँ भाई क्या कह रही है गाड़ी? गाड़ी बहुत स्पीड चलती है, मारू चलती है, भड़बड़ा के चलती है, तो गाड़ी है कि आफत है ये तो। अब इससे जा रहा तुम्हारा लौंडा बहुत दूर, बहुत दूर। हाँ अगले महीने लोकेशन पता चलेगी, सरप्राइज है। तो गाइस अब बारी है घर जाने की, अब देखता हूँ घर पे कौन मिलता है। मेन तो वैसे पापा जी का ही रिएक्शन था क्योंकि मुझे पता था वो शॉप पे होंगे, वो हो गया अपना, अब देखता हूँ घर पे कौन मिलता है। हाँ भाई हाँ बेटा माते कैसी हो माते? A few moments later.
तो गाइस टाइम हो चुका है इस वक्त रात के 8:50 ऑलमोस्ट 9 के आसपास और मैं जा रहा हूँ अपने एक बहुत ही प्यारे से दोस्त से मिलने जिसका नाम है मोहित और उसके संग में बैठ के हम लोग पियेंगे चाय और मन किया था कुछ खा भी लेंगे। घर पे आके सीधा सो गया था, कुछ काम ही नहीं किया मैंने, सीधा बस सोआ सा ही चल रही थी बहुत बढ़िया तरीके से। और वो सोस आके अपन अभी उठे और मोहित के कॉल्स आ रहे थे तो अपन ने सोचा अब सीधा जाके मोहित से मिल लेते हैं। तो मोहित के पास जा रहे हैं और मोहित का एक बार रिएक्शन तो देखना ही पड़ेगा कि मोहित का क्या रिएक्शन आने वाला है इस गाड़ी पे। और गाइस तो टाइम आ गया हमारे मोहित भैया का रिएक्शन लेने का। मोहित भैया ने ले ली है गाड़ी की चाबी हाथ में, आओ चेक करने के विचार में। हेलमेट लोगे आप? मत लो, पसीने में हो रहा पूरा, मैं सुबह से पहन के आया हूँ। तो ये अपनी चाय चल रही है बिल्कुल एंजिंग पार्ट से एंजिंग पार्ट और मैं वेट कर रहा हूँ मोहित का। मोहित आएगा अभी मेरी गाड़ी का एक राउंड लेगा और मैं उससे पूछूंगा उसको कैसी लगी। गाइस ये गाड़ी जो आप लाइट देख रहे हो ये आपके चुग्गी की डोमिनार है और झावा फेल रही है सामने से। वाह क्या तो चेयर लग रही है। मोहित बाबा ने बंद कर ली गाड़ी यार, कोई बात नहीं चलो। अरे अरे अरे, अरे मोहित बाबा मान ही नहीं रहे। हाँ भाई क्या कह रही है गाड़ी है? एक हल्का सा वाइब्रेशन नॉइज सुनाई दे रहा होगा, वो इसका है मोबाइल होल्डर का। मैसिव आया मैंने सामने देखा, मैंने कहा ये थैंक यू। अनएक्सप्लेन वाला रिएक्शन है मोहित भाई का, अनएक्सप्लेन्ड। ये मोहित भाई हमारे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है और ये बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं आज मेरे लिए। आज ये मेरा डे का सेकंड रिएक्शन है, पहला बापू का आया था, दूसरा तेरा आया है और अब मैं वेट कर रहा हूँ बिलावल का। बिलावल तो भाई इंतजार में बैठा है। थोड़ा जोर से बोलो क्या, माइक अंदर की साइड लगा है ना। मैं शुभकामना देता हूँ अपने भाई को जो हमारा नाम रोशन करेगा बाइकर गैंग में और मैं पूरे दिल से चाहता हूँ सब्सक्राइब करूँगा अपने भाई की सारी रील्स और सारे कंटेंट। थैंक यू, थैंक यू सो मच आकाश भैया। हाँ 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 बस ग्वालियर में यही चाहिए और है क्या जीवन में। चल चलना, मैं भी चल नहीं रहा हूँ साथ में। दादा यूट्यूब पे डल गया ये समझ लो बस। मेरा क्या 14 तारीख को जो व्लॉग आने वाला है ना उसमें मैं पूरे बस अपने मित्रगणों के रिएक्शन ही ले रहा हूँ ग्वालियर में, क्योंकि ऐसा जैसा कोई व्लॉग में शूट कर नहीं रहा था 14 के लिए, तो उसी के लिए रिएक्शन तो वो चीज कर रहे हैं अपन। बाकी बस चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से सब, बस ठीक ही है। ठीक है दादा, चल रहे गाड़ी चालू कर, चलो बाय। गाइस तो ये सीन है, ये कुछ प्यारे प्यारे मेरे भाई बंधु मिल गए हैं जिनको मेरी बाइक के संग फोटोज खिंचाने थे, तो अब ये लोग सब फोटो सेशन करा रहे हो और मैं साइड में खड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, चलो लोग आराम से लगे हुए हैं, लाइटें वाइटें लोगों को चालू करनी है, प्रेम से लगे हुए हैं। मैंने बता दिया सब इनको पहले से क्या करना है क्या नहीं और ये बहुत प्रेम से सब अपने फोटो वोटोज खिंचाने में लगे हैं। ठीक है यार, बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं। 2000 years later. Guys, तो ये जा रहा हमारी गाड़ी के टायर में सीलेंट, ऐसे भराई होती है, इंजेक्शन लग रहा हूँ गाड़ी के टायर को।
ये सर्दी में सूख तो नहीं जाता? तुम इसको -10 डिग्री में ले आना, 2 मिनट जमे भाई ऐसा। एक बोतल रखेगा सीधा कर दियो, वैसे ही वैसे ही मिलेगा, जमता नहीं। वाह यार, ये हमारे मामा जी के सुपुत्र है और ये मामा जी के सुपुत्र है गाड़ी को मामी बना रहे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये है अपनी लास्ट राइड इन ग्वालियर। आज रात हम लोग आखिरी बार अपनी ग्वालियर में गाड़ी चला रहे हैं और इसके बाद हम लोगों को सीधा निकलना है कल सुबह बैक टू इंदौर। और उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शंस, मेरे पापा के रिएक्शंस जो आए हैं बेसिकली, वो बहुत अच्छे लगे होंगे, बिकॉज वो जेन्युइन और नेचुरल था। मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ और उनके चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी है वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। और मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया उनके रिएक्शंस देख के। इसके अलावा घर वालों के भी कुछ रिएक्शंस मिले छोटे छोटे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बीच बीच में कोई ना कोई आता जा रहा था, मेरी गाड़ी जो भी देख रहा था वो रिएक्शंस तो अपने दे ही रहा था, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया और वो भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा कुछ दोस्तों के रिएक्शन है, लाइक मोहित का रिएक्शन बहुत अच्छा था, तो अभी मैं मोहित के पास ही जा रहा हूँ, मोहित के संग बैठेंगे, एक एक चाय पियेंगे, थोड़ी गप मारेंगे एंड देन बैक टू होम, पैकिंग वैकिंग करेंगे अपना आराम से और निकलेंगे कल इंदौर के लिए। वाओ डिज़ायर वाले भैया, ये तो बहुत तगड़े तरीके से निकले यार, ड्रिफ्टें मारते हुए चले गए, ये तो ड्रिफ्टें। और ये एक छोटा सा लीन तुम्हारे भाई का, और तुम्हारा भाई लीन मार जाता है अब तो, अच्छा वाला लीन भी मार लेते अब तो अपन, मजा आता है। बट ये डिजायर वाले भैया बहुत तगड़े तरीके से निकले यार। ए मेरे को ऐसा लगता है इनने मेरा कैमरा देख लिया था पहले से, तो गेटअप मार रहे हैं। MP07 है ना दादा, यार क्या करें, गेटअप में कमी नहीं जोड़ते कहीं पे भी। ए 07 वालों का यही है, एंड MP07 बिलोंग्स टू ग्वालियर, तो ग्वालियर वालों का ऐसे ही है, कहीं पे भी गेटअप देना नहीं छोड़ते। और ये प्यारे प्यारे हमारे कलेक्ट्रेट के लीन, ओ हो गजब, ये गाड़ियाँ नहीं होती तो इतना लंबा जाता ये वाला स्ट्रेच। वो आया और गाइस, इस टाइम पे टेम्परेचर का तो नहीं पता मेरे को क्या हो रहा है, बट ठंड बहुत गजब की हो रही है। मैं हुडी पहना हूँ नॉर्मल सा और अंदर तक से ठंडा हो चुका हूँ, सूख गई है मेरी बहुत बुरी। हाय राम, और हम आ चुके हैं हमारे भैया के रोस्टेड लाइफ कैफे पर, और यहाँ हमारे मोहित भैया होंगे, हमारा वेट कर रहे होंगे। डिंग डिंग, ये आ गए। कैसे हो सर? थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी यार। ये शुभमन गिल का है और वो रोहित शर्मा हमारे टीम के कैप्टन। अंकित भैया जी, एक वाइट सॉस पास्ता लगा दीजिए, 2 चाय लगा दीजिए, बहुत स्पीड में, भयंकर बहुत जोर से भूख लग रही है मेरे को। तो गाइस, ये है मेरा फ्रेंड मोहित, और आपने पहले इनके रिएक्शंस हमारी इस वीडियो में देख ही रखे होंगे, बहुत बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे। मैं जब भी ग्वालियर आता हूँ इनसे मिलता हूँ, आते ही सीधा मेरे बाप के बाद, जो मेरे पिताजी हैं, मेरे बापू हैं, उनके बाद मैं सीधा इन्हीं से आके मिलता हूँ। यही वो मानूसियत सी सकत है जो कल फटाखे से जल के भी आई, इनके बाल उड़ गए यहाँ से, कल ये फटाके में जल गए थे दिवाली बनाते बनाते, इन्हें ज़्यादा ही दिवाली बना दी। तो गाइस, ये आ चुका हमारा व्हाइट सॉस पास्ता और ये बैठे मेरे भाई बंधु, और ये मेरा फाइनल गुड बाय फ्रॉम ग्वालियर। चाय और नाश्ता चल रहा है और ये हमारे भैया मोबाइल में लगे हुए हैं। तो लोहाई से बात कर रहे हो क्या? स्नैपचैट स्नैपचैट ओ स्नैपचैट
स्पीक किसी के साथ नहीं। चार्ट चेक चेक कर दो भाई, पंचर किट चेक करो। ओ भाई बढ़िया सीन है।